हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे डायमेंशन कमांड्स। डायमेंशन कमांड्स हमें होम टैब में एनोटेशन पैलेट में इस जगह पे मिलेंगे, या फिर अगर आप एनोटेट टैब में जाते हो तो डायमेंशंस पैलेट में आपको यहाँ पर डायमेंशनिंग के लिए अलग अलग टाइप ऑफ कमांड्स मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहले जो कमांड दिखेगा आपको डायमेंशन, अगर आप उस कमांड के ऊपर क्लिक करते हो सो आप ज्योमेट्रीज के ऊपर जाके क्लिक करके डायमेंशन बना सकते हो फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स, या फिर लेट्स से हम सेगमेंट के ऊपर लाइन लेके आते हैं, वह अपना कर्सर लेके आते हैं, तो इस तरह से लाइन का लेंथ जो है वो डायरेक्टली आप डिस्प्ले कर सकते हो। एक बार ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जब ये डायमेंशन दिखने लगे तो आप डायरेक्शन दीजिए और कितने डिस्टेंस पे ये डायमेंशन प्लेस करना है वो डिस्टेंस आप टाइप कर सकते हो, मान लीजिए 10 और एंटर, या फिर आप मैन्युअली कर्सर से क्लिक करके भी डायमेंशन को प्लेस कर सकते हो। जब इस डायमेंशन कमांड को हम स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे कमांड पैलेट में आके देखोगे तो ऑटोकैड को प्रॉम्प्ट करेगा टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन लाइन का फर्स्ट ओरिजिन। इसके अलावा भी आप अलग ऑप्शंस चूज कर सकते हैं जिससे आप दूसरे टाइप का डायमेंशनिंग ऑपरेशन कर सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने आपका डायमेंशन का करंट लेयर सेट नहीं किया होगा तो आप लेयर कमांड में आकर आपकी लेयर कौन सी है वो चेक कर सकते हो और कौन से लेयर्स पे आपको डायमेंशन बनाना है उसका नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और एंटर कर सकते हो। राइट नाउ मेरा जो करंट लेयर है वो डायमेंशन है तो मैं सीधा एंटर करता हूँ। उसी तरह से आपका एंगुलर डायमेंशन, बेसलाइन डायमेंशन, कंटिन्यूस डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन इस कमांड में भी जा सकते हो। आपने अगर एडवांस में कुछ डायमेंशन बना के रखे होंगे तो उनको आप अलाइन कर सकते हो या फिर इक्वली डिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ डायमेंशन कमांड्स और फिर ये सब टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे हमारी जो लेयर है वो बराबर सेट है कि नहीं। उसके बाद जब हम डायमेंशनिंग करने जाएंगे तो हमारी डायमेंशन स्टाइल भी कौन सी है वो यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे और जिस डायमेंशन स्टाइल को हमें यूज़ करना है उसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग डायमेंशन कमांड्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लीनियर डायमेंशन कमांड। इस लिस्ट में से आप सबसे पहला कमांड देखोगे लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन कमांड को स्टार्ट करने के बाद आपको आपके ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट के आप पर क्लिक करना है जहाँ पर आपको ये डायमेंशन क्रिएट करना है। ओके, ये मेरा डायमेंशन लाइन का फर्स्ट ऑरिजिन हो गया, बाद में ये मेरा डायमेंशन का सेकेंड ऑरिजिन हो गया, फिर हम लोग डायमेंशन प्लेस करना चाहेंगे तो जहाँ पर जाए वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर आप डिस्टेंस एंटर करोगे। लेट्स से कहते हैं कि डिस्टेंस होगा 12 और एंटर, तो उतने डिस्टेंस पे जाकर ये डायमेंशन क्रिएट हो। लीनियर डायमेंशन कमांड के अंदर जब आप आपके डायमेंशंस के दोनों ओरिजिन बता चुके होते हो तो डायमेंशन प्लेस करने से पहले आप इन सेटिंग्स में से कोई भी एक सेटिंग या मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे डायमेंशन के वैल्यू के साथ मैं एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करूँ तो मैं एम टेक्स्ट कमांड पे क्लिक करूँगा और फिर जब ऑटोकैड प्रॉम्प्ट करेगा मैं अपना टेक्स्ट एंटर करूँगा। जब मेरा टेक्स्ट एंटर करना ख़त्म हो जाए मैं बाहर पे एक बार सिंगल क्लिक करूँगा और फिर जहाँ पे डायमेंशन प्लेस करना हो वहाँ पर जाके मैं क्लिक करूँगा। इस तरह से आप आपके डायमेंशन वैल्यूज के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में ही ऐड कर सकते हो। सेम वे अगर आप आपके डायमेंशन के वैल्यू जो है वही ओवरराइड करना चाहते हो तो आप इस टेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू एंटर करनी वो यहाँ पे बता सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 49 नहीं 100 दिखाना है, सो 100 क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। ये बेसिकली आपको अगर डायमेंशन फेक करना हो तो इस ऑप्शन को यूज़ करोगे, अदरवाइज इसको यूज ना करें।
सिमिलरली मुझे डायमेंशन जो है उसका टेक्स्ट का एंगल मुझे चेंज करना हो तो हम यहाँ से आकर उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इस डायमेंशन का टेक्स्ट एंगल रखना चाहते हैं 60 डिग्रीज। तो आप देखोगे मेरा जो टेक्स्ट वैल्यू है वो रोटेटेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं डायमेंशन स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाहता हूँ बट वो गलती से वर्टिकल बन रहा है एंड सो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल ऑप्शन को चूज करके हम फोर्स कर सकते हैं कि मेरा डायमेंशन का ओरिएंटेशन वैसे ही रहे। जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इस दोनों जगह पर क्लिक करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल भी बन रहा है वर्टिकल भी बन रहा है। मैं कहीं जहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ उस हिसाब से वो बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा डायमेंशन जो है वो बाय फोर्स हॉरिजॉन्टली मेंटेन रहे तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब मैं कर्सर इवन दो लेफ्ट साइड पे खींच रहा हूँ मेरा जो डायमेंशन वैल्यू है वो वर्टिकल नहीं शिफ्ट हो रहा हॉरिजॉन्टली बन रहा है। अब मैं जाकर कंफर्टेबली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और मेरा डायमेंशन प्लेस कर सकता है। ये बेसिकली जब आप बहुत ही छोटे स्पेसेस में डायमेंशन कर रहे होते हो और आपको ये ओरिएंटेशन मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो रहा हो तो इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। सेम वे अगर आपने जो दो जगह पे क्लिक किया है उन दो पॉइंट्स के बीच में आपको रोटेटेड डायमेंशन प्लेस करना है जैसे कि ओरिएंटेशन ऑफ द डिस्टेंस ही आपको चेंज करना है तो आप रोटेटेड पे क्लिक करोगे और जो एंगल है वो टाइप करके एंटर बोलोगे सो आपको वो रोटेटेड डायमेंशन डिस्प्ले करके देगा। तो इस तरह से आप डायमेंशन कमांड के अंदर के जो ऑप्शन हैं उनको यूज़ करके डायमेंशन को और अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और आपको जो ज़रूरत है उस हिसाब से डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो। वैसे आप जब अलाइन डायमेंशन में जाओगे तो वहाँ पे भी आप जो पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करोगे वहाँ से इंक्लाइन डायमेंशन डायरेक्टली बना सकते हो। ये मान लीजिए इसमें भी आपको अगर टेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एम टेक्स्ट ऑप्शन दिया है। टेक्स्ट की वैल्यू फेक करनी है तो आप टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे और आपका डायमेंशन वैल्यू आप फेक कर सकते हो। एंगल में जाओगे तो आपका जो टेक्स्ट है उसका एंगल आप चेंज कर सकते हो। ओके जो भी वैल्यू है आपको सेट करनी है बाद में इस डायमेंशन को जहाँ पे रखना है वहाँ पे जाकर क्लिक कीजिए या फिर डिस्टेंस टाइपिंग करके एंटर कीजिए आपका डायमेंशन प्लेस हो जाएगा। ये था अलाइन डायमेंशन। ये मोस्टली इंक्लाइन लाइंस के साथ आप यूज़ करोगे उनका डायरेक्ट डिस्टेंस या लेंथ डिटरमाइन करने के लिए। वैसे हमने जो लीनियर डायमेंशन देखा उसको हम लोग यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस बिटवीन द सिलेक्टेड पॉइंट्स। एंगुलर डायमेंशन जब आपको दो लाइंस के बीच में डायमेंशन दिखाना हो कि उनके बीच में एंगल कितना है तो आप एंगुलर डायमेंशन स्टार्ट करोगे और दो लाइंस के ऊपर क्लिक करोगे और जहाँ पे डायमेंशन प्लेस करोगे उस हिसाब से वो एंगल शो करेगा। देखिए तो जब तक आप क्लिक नहीं करते तब तक आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे आप कर्सर लेके जाओगे उस हिसाब से आप डायमेंशन को पहले सेट कर लो। जब आप सेटिस्फाइड हो कि आपको इस ओरिएंटेशन में डायमेंशन प्लेस करना है आप क्लिक कीजिए और डायमेंशन प्लेस हो जाएगा। इस कमांड में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि आप सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आर्क को सेलेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स से मैं आर्क को सेलेक्ट करता हूँ तो इसका इंक्लूडेड एंगल कितना है वो डिस्प्ले करेगा और प्लेस करेगा। दो लाइंस को हमने क्लिक करके देखा तो उस हिसाब से भी आप डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इन दो लाइंस के बीच में डायमेंशन बताना है या फिर ये दो लाइंस के बीच में डायमेंशन बताना है फ्रॉम अ स्पेसिफाइड वर्टेक्स तो आप एंगुलर डायमेंशन में आओगे और स्पेसिफाइड वर्टेक्स क्रिएट करने के लिए एंटर करोगे। सो आप कौन से वर्टेक्स से डायमेंशन प्लेस करना चाहते हो बोलोगे और फिर उन दो पॉइंट्स पे क्लिक करोगे जहाँ से आपको डायमेंशन प्लेस करना है और फिर आपका कर्सर जैसे घुमाओगे उस हिसाब से आप उस डायमेंशन को प्लेस कर सकते हो और वो वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये था आपका एंगुलर डायमेंशन।
आर्क, जब भी आपको आर्क का ये कर्वेचर लेंथ बताना होगा तो आप आर्क लिंक कमांड स्टार्ट करोगे और फिर आर्क के ऊपर क्लिक करके उस डायमेंशन को प्लेस करोगे। सो ये जो सिंबल है वो बताएगा कि ओके आप ये जो डायमेंशन बता रहे हो ये ऐसा कर्वेचर लेंथ है, ठीक है, मतलब ये एमएम में ही वैल्यू होगी, एंगल नहीं है या फिर कॉर्ड लेंथ भी नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं है, दिस डिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप अलाइन डायमेंशन में अगर इस दो पॉइंट के बीच पे क्लिक करोगे आपको पता चलेगा ओके कॉर्ड लेंथ अलग है, वो कम है, कर्वेचर लेंथ है तो ये ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। मान लीजिए आपको ये जो आर्क है उसका टोटल लेंथ नहीं बताना, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक बताना है जहाँ पे लाइन इसको इंटरसेक्ट हो रही है, तो आप आर्क लेंथ कमांड में आएंगे, आर्क को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप पार्शियल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आप उस पॉइंट को क्लिक करो जहाँ से आपको डायमेंशन देखना है, फिर उस पॉइंट पे क्लिक करो जहाँ तक आपको डायमेंशन देखना है और उसका आर्क लेंथ आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो। रेडियस, अगर आपको आर्क का रेडियस बताना है तो आप रेडियस कमांड में आओगे, आर्क को क्लिक करोगे और डायरेक्शन दोगे जहाँ पर आपको ये डायमेंशन प्लेस करना है और फिर क्लिक कीजिए स्क्रीन पे ताकि ये डायमेंशन प्लेस हो जाए। सिमिलरली अगर आपने सर्कल बनाया होगा, देखिए यहाँ पे मैं कोई सर्कल क्रिएट करता हूँ, और उसका डायमीटर डिटरमाइन करना होगा तो आप डायमीटर कमांड में आओगे, सर्कल को क्लिक करोगे और फिर आपको डायमेंशन कैसे प्लेस करना है वैसे आप कर्सर को लेकर जाओगे और फिर क्लिक करोगे तो ये डायमेंशन प्लेस हो जाएगा। तो सारे के सारे जो डायमेंशन कमांड्स है उनमें आपको ये एम टेक्स्ट टेक्स्ट और एंगल ऑप्शन तो दिया ही है, उसको कंट्रोल करके आप टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर टेक्स्ट की वैल्यू ही आपको फेक करके बतानी है तो वो भी कर सकते हो, या फिर इस टेक्स्ट का एंगल आप चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको सभी डायमेंशन कमांड में मिलेंगे। चॉक्ड रेडियस डायमेंशन, तो मान लीजिए मुझे इस सर्कल का या आर्क का रेडियस बताना है इन सच ए वे कि इसका जो रेडियस है वो समवेयर में दूर बताने वाला हूँ, सो मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर ये जॉग ऐड करूँगा, सो इस जॉग का विड्थ कितना है वो हम बताएंगे, फिर ये जॉग का पोजीशन कहाँ पे बताना है वो सेट करेंगे और फिर ये रेडियस प्लेस हो जाएगा। ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग, सपोज हमने कोई डायग्राम बनाया है, ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग सपोज हमने ये जो डायग्राम बनाया है इसका जो ये फीचर है या फिर इसके जो भी ये फीचर्स है इनका डिस्टेंस हमको ओरिजिन से बताना है इन टर्म्स ऑफ वाई वैल्यू और एक्स वैल्यू, तो आप ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग करोगे, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर आओगे, ऑर्डिनेट डायमेंशन को क्लिक करोगे, ओके स्पेसिफाई फीचर लोकेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अगर मुझे ये वाई डिस्टेंस बताना है तो मैं इस तरह से आके यहाँ पर क्लिक करूँगा, वैसे ही मैं फिर से इस कमांड को चालू करता हूँ और डिस्टेंसेस बताते जाता हूँ। सेम वे मुझे इसका एक्स डिस्टेंस बताना है तो वो हम इस तरह से बताएंगे, क्लिक करो और कर्सर को नीचे लेके आओ, दैट्स इट। ये सिमिलर डिस्टेंस पे है सो आई कैन इग्नोर दिस वन और इसको मैं एडजस्ट करूँगा माई लाइक। तो ये हो गए आपके ऑर्डिनेट डायमेंशन।
सपोज आपको किसी पार्ट के ऊपर कंटिन्यूस डायमेंशन बताने होंगे तो आप इस तरह से कर सकते हो। सपोज मैं फर्स्ट डायमेंशन क्रिएट करता हूँ हमारे ज्योमेट्रिक के ऊपर ऐसे। फर्स्ट डायमेंशन के वक्त मैं फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा डायमेंशनिंग है जो यहाँ से कंटिन्यू होगा क्योंकि सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पे किया था। अब मैं जाकर ये कंटिन्यू कमांड को क्लिक करूँगा और फिर सिर्फ उन फीचर्स के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर मुझे डायमेंशन प्लेस करना है और फिर एंटर करके कमांड को फिनिश करना है, फिर एस्केप। तो इस तरह से आप कंटिन्यू डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपको बेसलाइन डायमेंशन बनाना है तो आप फर्स्ट डायमेंशन बना लीजिए यूजिंग जो भी आपका कमांड है। यहाँ पे मैं लीनियर डायमेंशन कमांड यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप जाओगे बोलोगे बेसलाइन डायमेंशन। इसमें भी आपका फर्स्ट और सेकंड क्लिक मैटर करेगा। सेकंड क्लिक यहाँ पे क्लिक किया रहेगा तो अभी देखिए इसको बेस ऑटोकैड कंसिडर करेगा। अब आप सिर्फ जाके फीचर्स के ऊपर क्लिक करते जाइए और जो भी आपने डायमेंशन स्टाइल में सेटिंग बताई रहेगी उस हिसाब से ये स्पेसिंग क्रिएट करके आपको वो डायमेंशन बना के दे। सपोज कभी कभी हम कुछ डायमेंशन क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायमेंशन क्रिएट किया इस तरह से और यहाँ पर मैंने एक डायमेंशन क्रिएट किया इस तरह से। अभी हमने जानबूझकर ऐसे किया है ताकि ये देखेंगे कि अगर दो डायमेंशन लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो हम उनके बीच में ब्रेक कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको डायमेंशन स्टाइल कमांड में जो भी आप करंट डायमेंशन स्टाइल यूज कर रहे हो, मैं यहाँ पर कितनी वैल्यू है वो बतानी पड़ेगी इन एडवांस। फिर आप यहाँ पर आओगे और ये ब्रेक कमांड स्टार्ट करोगे। ये डायमेंशन ब्रेक है, ये हमारा मॉडिफाई कमांड वाला ब्रेक कमांड नहीं है, कीप दैट इन माइंड। और फिर उस ज्योमेट्री को या फिर डायमेंशन लाइन को सेलेक्ट करोगे जिसको ब्रेक करना है, फिर उसको सेलेक्ट करोगे अबाउट विच उसको ब्रेक करना है और फिर एस्केप करोगे तो इस लाइन के ऊपर ये ब्रेक ऐड हो जाता है। और इस तरह से ऐड होता है कि अगर मैं इस डायमेंशन को यहाँ से कहीं और मूव करता हूँ तो ब्रेक उसको फॉलो करेगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ब्रेक कमांड। अभी लेट्स से मैंने कुछ डायमेंशंस क्रिएट किए हैं, उनकी स्पेसिंग मैंने ठीक से मैनेज नहीं किए हैं तो ये स्पेसिंग मुझे मैनेज करनी होगी। तो मैं इस कमांड में आ सकता हूँ, सो एडजस्ट द स्पेस, फिर सेलेक्ट द बेस डायमेंशन ये, फिर सेलेक्ट द डायमेंशंस टू स्पेस ये और फिर एंटर। फिर वो पूछेगा कि आपको वैल्यू बतानी है तो वैल्यू बताइए, ऑटो करना है तो एंटर कीजिए, तो मैं ऑटो बोलता हूँ और उनके बीच में स्पेसिंग जो है ऑटोमेटिकली ऑटोकैड सेट करेगा जो भी उसके लिए बेस्ट होगी। समटाइम्स आप इस तरह से ज्योमेट्री का जो डायमेंशन है वो फेक करके बताते हो और इस ज्योमेट्री का जो लेंथ है वहाँ पे इसे यहाँ पे ऐसे ब्रेक ऐड कर देते हो तो आपको डायमेंशन पे में भी अगर आप वो जो ब्रेक है इसे ऐड करना होगा तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो। जो डायमेंशन का जॉग लाइन है उसको क्लिक करोगे और फिर आपका जो डायमेंशन है उसको आप सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर स्पेसिफाई जॉग लाइन लोकेशन यहाँ पे ऐड करना है, दैट्स इट। और आपका डायमेंशन के ऊपर जॉग लाइन ऐड होगी। अगर आपको आपके डायमेंशन के ऊपर इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप इस कमांड को सेलेक्ट करो, जो भी इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसके मुझे ये राउंड चाहिए, ये एंगुलर चाहिए या नन चाहिए। फिर लेबल कुछ ऐड करना होगा तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। टैग डी डायमेंशन बोलने के बाद इसमें इस डायमेंशन को सेट कलेक्ट करके एंटर करूँगा एंड ओके। सो इस तरह से
वो आपको चेक वैल्यू है वो ऐड करके दे। ठीक है सर, ये इंस्पेक्शन वैल्यूज आप इस तरह से आपके डायमेंशन पे ऐड कर सकते हैं। एक बार आपको ये चेकिंग हो गया रहेगा, आपको इंस्पेक्शन वैल्यू रिमूव करनी होगी, तो फिर से आप यहाँ पे आओगे, सेलेक्ट डायमेंशन, इस डायमेंशन को सेलेक्ट करके एंटर को लेंगे और रिमूव इंस्पेक्शन बोल के आप ओके बोल दोगे, तो इंस्पेक्शन वैल्यू रिमूव हो जाएगी। समटाइम्स हम जो डायमेंशन क्रिएट करते हैं वो हमारे ज्योमेट्री के साथ एसोसिएट नहीं हो पाते, जैसे कि इस केस में मेरा ये डायमेंशन है 17.5 और 65, ये हमारे इस लाइंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँ और शिफ्ट कर दूँ तो ये दो डायमेंशंस अपडेट नहीं होंगे। देखिए ये डायमेंशन जो एसोसिएटेड था वो अपडेट हो गया। तो अगर आपने एनोटेशन मॉनिटर ऑन रखा होगा यहाँ पर ये बटन, ओके, तो आपके डायमेंशन जो आपके ज्योमेट्री के साथ एसोसिएटिव नहीं है इनके बगल में ऐसा येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके डायमेंशंस एसोसिएटिव है या नहीं है। तो चलिए अब इस बटन को ऑन करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये जो डायमेंशंस है वो आपके ज्योमेट्री के साथ एसोसिएटिव हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस डायमेंशन को सेलेक्ट करो जिसको एसोसिएटिव करना है और फिर ये डायमेंशन री एसोसिएट कमांड स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर आपको ऑटोकैड प्रॉम्प्ट करेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ऑरिजिन। मैं यहाँ पर आके क्लिक करना चाहता हूँ बट अभी मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, नोड, और नोड इस ज्योमेट्री का फीचर नहीं है। तो अगर मैं इस डायमेंशन को एक नोड पे प्लेस करूँगा जो किसी और डायमेंशन का ऑरिजिन पॉइंट है तो फिर से ये एसोसिएट नहीं होगा। तो हमें अपना ऑब्जेक्ट स्नैप ओवरराइड करना होगा। तो शिफ्ट होल्ड करके मैं राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे एंड पॉइंट पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आके क्लिक कीजिए। बाद में इस डायमेंशन का जो ये नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे प्लेस करना है। तो मैं शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करता हूँ और फिर कहता हूँ कि मुझे सेंटर स्नैप चाहिए और फिर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर तो आप नोटिस करोगे कि अभी ये 17.5 के बगल से एक्सक्लेमेशन मार्क चला गया। दैट मीन्स अगर मैं इस ज्योमेट्री को अगर स्विच करूँ तो ये डायमेंशन भी अपडेट होने लग गया जैसे ये प्रीवियस डायमेंशन अपडेट हो रहा था। सेम थिंग आप इस डायमेंशन के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको फीचर कंट्रोल फ्रेम यूज करनी है तो आप यहाँ पे टॉलरेंस कमांड में आओगे, आपका जो भी टॉलरेंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर उस टॉलरेंस को आप पोजीशन कर सकते हो। उसके बाद आप क्यू लीडर कमांड यूज करके इस डायमेंशन से ऐसे लीडर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई ड्राइंग जो है वो आइसोमेट्रिक में बनाई हो उसी तरह आपने कोई जो डायग्राम है वो आइसोमेट्रिक में बनाई हो तो आप यहाँ पर डायमेंशन कमांड से जब ये डायमेंशंस क्रिएट करते हो तो उनका ओरिएंटेशन जो है वो आपके डायग्राम से मैच नहीं करता। तो ऐसे केस में आप ऑब्लिक कमांड यूज करके डायमेंशंस का ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। सो डायमेंशन कमांड, तो ऑब्लिक कमांड स्टार्ट कीजिए, फिर डायमेंशन को सेलेक्ट करके एंटर बोलिए और फिर आपके रेफरेंस एलिमेंट के ऊपर दो जगह पे क्लिक कीजिए ताकि वो एंगल मेंशन हो जाए, तो आपका जो डायमेंशन है उस ओरिएंटेशन में आ जाता है।
अगर मल्टीपल डायमेंशंस को आपको एक ही ओरिएंटेशन में लाना है, तो उन सारे डायमेंशंस को आप सेलेक्ट करोगे, फिर आप पब्लिक कमांड में आओगे और आपका एंगल डायरेक्शन बता दोगे इस तरह से, और आपके डायमेंशंस उस ओरिएंटेशन में इंक्लाइन हो जाएंगे। उसी तरह से आपको डायमेंशन का जो टेक्स्ट है उसका एंगल चेंज करना हो तो अलग से भी कर सकते हो। ओके, हमने ये पहले भी किया था विद इन द डायमेंशन कमांड। डायमेंशन टेक्स्ट का जस्टिफिकेशन भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप डायमेंशन का टेक्स्ट ओवरराइड कर सकते हो, जो भी हमने पहले डायमेंशन के विद इन ही करके देखा था। सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। इस कमांड में यहाँ पे एक्चुअली आने की ज़रूरत नहीं है। आप डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करोगे और इस टेक्स्ट को आप स्ट्रेट अवे डिलीट करके जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो फेक हो जाएगी। बट आपका अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू वापस लानी है तो प्रॉपर्टीज में डबल जाना है, इस डायमेंशन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको टेक्स्ट टैब के अंदर ढूंढना है टेक्स्ट ओवरराइड, और वो वैल्यू इरेज करके बाहर आके क्लिक कर दीजिए। आपका डायमेंशन का जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा वो वापस डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये थे हमारे डायमेंशन के कुछ कमांड्स जो हमने आज देखे। आई होप आपको ये कमांड्स ठीक से समझ में आए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेज सेटअप मैनेजर, किस तरह से आपने जो ड्राइंग्स बनाए हैं उनको आप पेपर स्पेस में लाते हो और प्रिंटिंग के लिए रेडी करते हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इसके साथ हमारा ऑटोकैड का बेसिक 2D पार्ट जो है वो कवर अप हो जाता है। फिर मैं कोशिश करूँगा इसके बाद जो भी और एडवांस्ड कमांड्स है और जो कुछ भी पार्ट मेरे से छूट गए होंगे तो उनके उन टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स कवर करूँ। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।